गाइस काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ है इसराइल कंट्री की तरफ से। दो हफ्ते पहले इसराइल ने इंटरव्यू लेना स्टार्ट किए थे चेन्नई के अंदर, तो काफ़ी सारे लड़कों को वहाँ पर जॉब मिला था इंटरव्यू होते और उनका सिलेक्शन हुआ था, काफ़ी का नहीं हुआ था। तो अब जो है दोस्तों राइट नाउ इस टाइम पर जो सिलेक्शन हो रहा है दिल्ली के अंदर डेलीगेशन आए हुए और वहीं पर इंटरव्यू चालू है और ये इंटरव्यू लगभग एक हफ्ते तक चलेगा। तो जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं इसराइल कंट्री के वर्क वीज़ा के लिए, तो ये वर्क वीज़ा ओनली आपको 15 से 20 डेज के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी आपसे चार्जेस नहीं लिया जाएगा, किसी भी एजेंट के थ्रू अगर आप जाओगे तो भी यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लेगा, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट और इसराइल गवर्नमेंट के बीच हुआ है। तो इसके लिए दोस्तों आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे का प्रोसेस है, कैसा आपको वर्क वीज़ा मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना एंड चैनल पर नहीं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। गाइस काफ़ी टाइम से हमास और इसराइल कंट्री के बीच में वार हो रहा है और इसी के चलते लगभग 80-90,000 वर्कर्स जो हमास के थे फलस्तीन के थे वो वहाँ पर काम करते थे इसराइल कंट्री के अंदर, लेकिन जब से वार हुआ तो उन लोगों ने उनके वर्क परमिट जो है कैंसिल कर दिए। तो इसलिए दोस्तों इसराइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है इस टाइम पर वर्कर्स की, तो उसी को फुलफिल करने के लिए उन लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि हमें जो है वर्कर्स चाहिए इंडिया से। तो 30,000 उन लोगों ने वर्कर्स की डिमांड की थी, फिलहाल जो है 10,000 वर्कर्स के लिए वो लोग हायरिंग कर रहे हैं न्यू दिल्ली के अंदर। और ये 10,000 कंप्लीट होने के बाद में जो सेकंड फेज स्टार्ट होगा उसमें बाकी 20,000 वर्कर्स को लिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सी जॉब है जिनके लिए वो लोग हायरिंग कर रहे हैं इस टाइम। नंबर वन पर आता है दोस्तों कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के काम अगर आपको कोई भी आता है, अगर आपने दुबई, सऊदी, कतर, किसी भी गल्फ कंट्री का अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है 1-2 साल का, या फिर इंडिया का भी अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है, तो वो लोग आपको ले लेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और कोई भी आपसे चार्जेस नहीं लिया जाएगा। दोस्तों कौन कौन सी जॉब है जिनके लिए इस टाइम पर हायरिंग चालू है, तो यहाँ पर दोस्तों कंस्ट्रक्शन वर्कर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, हेल्पर के लिए लोग हायरिंग कर रहे हैं, साइट सुपरवाइजर, सिविल इंजीनियर, इसका फोल्डिंग, वेल्डर, शटरिंग कारपेंटर, टाइल फिटर, मैसन क्रेन ऑपरेटर, एक्सेवेटर्स और फिटर्स के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। और जितनी भी यहाँ पर जॉब्स है कंस्ट्रक्शन में वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, इनमें से अगर आपको कोई भी काम आता है तो आप इसराइल कंट्री जा सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई कैसे करना आगे आपको बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों फार्म वर्कर्स की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, फार्म वर्कर्स के लिए भी ये लोग हायर करेंगे, लेकिन अभी फर्स्ट फेज कंप्लीट होने के बाद में सेकंड फेज स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में जब 20,000 वर्कर्स ये लोग लेंगे उस टाइम पर फार्म वर्कर्स के लिए यहाँ पर इंटरव्यू होने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर की डिमांड है, उसी के हिसाब से लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। एंड काफ़ी सारे यहाँ पर लड़के जिनका सिलेक्शन हो चुका है, मेरा खुद का एक रिलेटिव है काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, तो उनका भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू हुआ, तो अभी उनको मेडिकल के लिए बुलाया, मेडिकल होने के बाद में डायरेक्टली कंपनी वीज़ा देगी फ्री में और वो जाएंगे डायरेक्टली इसराइल। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है काफ़ी सारे ऐसे दिल्ली के एजेंट हैं और पंजाब के काफ़ी सारे एजेंट हैं चंडीगढ़ में, जो कि इसराइल कंट्री के वर्क वीज़ा के नाम पर आपसे काफ़ी ज़्यादा 3-4 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं। तो आपको 1 रुपये भी किसी को भी नहीं देना, क्योंकि ये जो वैकेंसी है फ्री, ज़्यादा इसराइल कंट्री को वर्कर्स की डिमांड है, क्योंकि आप रिस्क में वहाँ पर जा रहे हो, ऐसे नहीं आप खुशी से जा रहे हो, दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। तो अब दोस्तों ऐसे में रिस्क भी आप ले रहे हो, साथ में आप 3-4 लाख रुपये भी, ये चीज़ कहीं से कहीं तक भी वर्थ नहीं करती। तो वहाँ पर रिस्क क्या है, रिस्क आप देख सकते हो, जब हमास वहाँ पर रॉकेट भेजता है, रॉकेट मारता है इसराइल में 3,000, 4,000, 5,000, तो वो कहीं ना कहीं पर जाकर गिर जाता है। जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसराइल का वो भी रॉकेट्स को वहाँ पर नहीं रोक पाता, वो भी वहाँ पर फेल हो जाता। तो ऐसे में क्या है, जो रॉकेट्स जो आते हमास की तरफ से या फिर हिजबुल्ला की तरफ से, वो कहीं पर भी जाकर गिर जाएंगे इसराइल के अंदर, तो वहाँ पर किसी की भी मौत हो सकती है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर सेफ हो आप, वहाँ पर दोस्तों रिस्क तो है, काफ़ी तगड़ा रिस्क है। तो ऐसे में दोस्तों वहाँ की कंपनीज चाह रही है कि इंडियन वर्कर्स को बुलाया जाए और साथ में उनको फूड, अकोमोडेशन, फ्लाइट, ये सारी चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। आपको सिर्फ इंटरव्यू पास करना है और आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, इवन आपका मेडिकल होगा वहाँ पर भी आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना, सारा जो खर्चा आपका इसराइल की गवर्नमेंट उठाने वाली है। तो बी अवेयर, किसी भी एजेंट को आपको 1 रुपया भी नहीं दे। बट गाइज आप इतना कर सकते हो, अगर आप कोई भी काम जानते हो लाइक इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, प्लम्बर, फिटर, इसका फोल्डिंग, कोई भी आप काम जानते हो, तो अपना एक CV बना लीजिए प्रोफेशनल, ठीक है। CV और कवर लेटर आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप वहाँ पर जाओगे आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, पासपोर्ट सबमिशन कर रहे हो, अगर आप मेरे थ्रू सबमिट कराना चाहते हो अपनी फाइल, तो यहाँ पर आपको CV की जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली। तो अगर आप पूरी कंप्लीट फाइल मेरे थ्रू अपना प्रिपेयर करा के वहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो इसराइल कंट्री के वर्क वीज़ा के लिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है। कुछ नॉमिनल चार्जेस पर आपकी फाइल वहाँ पर जमा कर दी जाएगी एंड आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, इंटरव्यू के लिए आपको जाना है, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको काम आता है एग्जैक्टली तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाओगे। अब दोस्तों बात करते हैं कितने साल का ये वीज़ा मिलेगा और कितना आपको सैलरी मिलेगा। तो सैलरी दोस्तों आपको 1,800 US डॉलर से लेके
$2,500 तक आपको सैलरी मिल जाएगी पर मंथ। तो 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख रुपया आप बड़े आराम से कमा सकते हो इसराइल कंट्री में, जो कि काफ़ी सारे यूरोप कंट्री में भी आपको इतना सैलरी नहीं मिलेगा। प्लस दोस्तों आपको फ्लाइट फ्री मिलेगी, फूड अकोमोडेशन ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली। अब बात करें दोस्तों एज ग्रुप क्या रहेगा और कितने साल का आपको वर्क वीज़ा मिलेगा। दोस्तों ये वर्क वीज़ा आपको फर्स्ट मिलेगा 2 साल के लिए, उसके बाद में रिन्यू होगा, तो आप 5-6 साल तक आप काम कर सकते हो इसराइल कंट्री के। एज लिमिट की बात करें दोस्तों, अगर आपका एज 18 से लेकर 60 के बीच में है तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। इंग्लिश अगर आपको कम आता तो भी आप इस वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर आपका काम देखा जाएगा। इंग्लिश से उन लोगों को कोई भी लेना देना नहीं है, वो लोग आपका काम चेक करेंगे, अगर आपको काम आता है तो वो लोग आपका सिलेक्शन कर लेंगे, सिंपल सी बात है। दोस्तों अगर आपको फाइल लगवाना है इसराइल कंट्री के वर्क वीज़ा के लिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, जल्दी से आइए एंड कॉन्टैक्ट कर लीजिए। एंड काफ़ी सारे लड़कों का सिलेक्शन हो भी चुका है, फेज 1 स्टार्ट हो चुका है, दिल्ली में चल रहा है इंटरव्यू, तो जल्दी से गाइज बिल्कुल भी डिले मत करिए, जल्दी से कॉन्टैक्ट करिए और अपना फाइल रेडी करा के अप्लाई करा दीजिए मेरे थ्रू। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।